Hey guys, welcome back to my channel. सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया. कुछ हेल्थ इश्यूज थे सो इस वजह से मैं नहीं बना पाई, बट अब मेरे वीडियोस कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे. और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अब राखी आने वाली है और मैंने शुरुआत की है राखी से ही. सो मैं आज आपकी वीडियो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे किड्स के लिए बहुत सुंदर कलरफुल राखी आप अपने घर पे बना सकते हो, एंड वो भी ऐसे सामान यूज करके जो यूजुअली हम सबके घर पे अवेलेबल होते ही है. तो आइए, आप देख सकते हो ये कितने क्यूट से बटरफ्लाई राखीज मैंने बनाए हैं. ये बहुत ही सुंदर है एंड बच्चों को बहुत पसंद आएगा. आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो. सो आइए देखते हैं हम इसके लिए क्या क्या मटेरियल्स लगने वाले हैं. सो जो मटेरियल्स हमें लगने वाले हैं वो है ये नेट. नेट आप कोई भी कलर की यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका मन कहे. मैंने यहाँ पे रेड यूज़ किया है. उसके लिए हमें पीछे में डोरी चाहिए होगी. डोरी मैंने यहाँ पे डबल कलर में लिया है. एक जो रिबन होती है वो लिए मैंने, और एक छोटा वाला जो धागा होता है ये है. ये मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं और यूजुअली घर पर भी होते हैं ये रिबन्स. अब ये ऑप्शनल है, ये आप लगा भी सकते हो नहीं भी, पर ये चौड़ा वाला रिबन जो है ये आप यूज़ करोगे इसमें. इस टाइप का जो है ये शीट मार्केट में मिलती है, स्टोन की शीट होती है. इसके जगह आप कुछ और भी लगा सकते हो, आप मोती भी लगा सकते हो. बीच में मैंने ये डेकोरेशन के लिए लिया है, नहीं तो आपके पास वो स्टिक करने वाले जो मोती वाले आते हैं वो भी यूजुअली आपको क्राफ्ट शॉप्स में मिल जाएंगे, आप वो भी यूज कर सकते हो. ये राखी के पीछे चकली जो लगाते हैं वो है. इस टाइप के पॉम ये जो है थर्माकोल बॉल्स, ये भी बहुत इजीली मिलते ही है घर में, बच्चों के पास क्राफ्ट्स में होते ही है, नहीं तो ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं. ये हमें सुई धागा लगेगा और सीजर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने नेट को ऐसे कट कर लिया, स्ट्रेट कट कर लिया था. इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो. पहले नेट को आपको जितना चौड़ा आपको बटरफ्लाई बनाना है उतना चौड़ा आप नेट को कट कर लोगे. उसके बाद आप नेट को इस तरीके से फोल्ड करोगे. फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से आप सीजर की मदद से इधर ऐसे और ऐसे कट कर लोगे. और जब आप इसे खोलोगे तो फिर आप देखोगे इवनली आपके दोनों साइड में इस टाइप से ज़िगज़ैग आ चुका है. ये आप देख रहे हो इस तरह से ज़िगज़ैग आ चुका है. अब उसके बाद हमें जो मेन करना है, जो हमें बटरफ्लाई जिससे बनेगी, आप इसमें धागा कोई भी यूज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको सेम कलर का ही लेना है, बिकॉज वो दिखेगा नहीं, वो छुप जाएगा. सबसे पहले आप एक नॉट बना लोगे. नॉट बनाने के बाद आपको इधर नीचे में सेंटर से पहले अपने धागे को डालना है, और फिर आपने जो नॉट बनाया था उस साइड से आपके धागे को लेके निकाल देना. ये आप देख रहे हो ये किट बन चुकी है. अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल है. इस तरीके से आपको जस्ट अपने धागे को निकालते रहना है. ये आप देख रहे हो जितना आप इसमें चुन दोगे ये देखिए ऐसे आ जाएगा. हमें यही करना है, हम इसको पूरे यहाँ तक कर लेंगे. ये आपने देखा ये मैंने पूरा कर लिया है. अब इसे कुछ नहीं करना है, ऐसे पकड़ के आपको बस इस तरीके से, ये आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है. ये इस तरीके से पूरा आ जाएगा. अब इसको इस तरीके से पकड़ के डिवाइड करना है, एंड जस्ट आपके धागे को आपको ऐसे राउंड करना है ताकि ये बीच में एक गैपिंग क्रिएट हो जाए. फिर आपको एक एंड से दूसरे एंड में इस तरीके से निकाल के एक गिट दे देनी है, जिससे कि आपका ये बटरफ्लाई खुले ना. ये हमारा होने के बाद में अब देख रहे हो आप, ये वायर है, नॉर्मल वायर है. मैंने इसमें ये जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं मार्केट में, पेपर फ्लावर्स आते हैं,
इसके जो ये पीछे की डंडी बच जाती है, हम प्लाव यूज करते हैं और ये यूज नहीं करते, तो मैंने वो यूज किया है यहाँ पे। आप नहीं, आपके पास अगर ये ना हो तो आप इसके बदले वायर भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल वायर। नॉर्मल वायर में आप ग्रीन टेप लगा सकते हो, आप उसे भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको इस तरीके से हमें ऐसे हाफ में कर लेना है वायर लगा के, वायर को टाइट कर लेना है, एक टर्न देना है और फिर बस ऐसे राउंड कर देना है। इसे परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऐसे ही उठा उठा सा रहेगा इस तरीके से, एंड ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। सो आप देख रहे हो ये बटरफ्लाई जैसा लग रहा है पूरा। अब आपको जो करना है वो है पॉम पॉम बॉल्स लेने हैं, और उसके बाद ग्लू गन लगाते हुए इस तरीके से अपने बॉल को डाल देना है। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हो। ये आप देख रहे हो ये इस तरीके से लुक आ गया। अब उसे सेंटर में लगाना है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने बटरफ्लाई को आपको होल्ड कर लेना है, एंड फिर यहाँ पे सेंटर में गन लगा लगा के ये आप देख रहे हो ये आपकी बटरफ्लाई पूरी बन चुकी है हमारी। ये देखिए ये पूरा बटरफ्लाई बन चुका है, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब आपको जो करना है वो है रिबन के लिए। रिबन को हम पहले ऐसे मोड़ लेंगे हाफ में एकदम, एंड फिर उसके बाद में आप नीचे में इसे कट कर लो इस तरीके से। इस तरह से लेने के बाद में आप रिबन का जो सेंटर है उस जगह पे एक डॉट लगाओ, एंड उस पे दूसरे वाले जो रिबन है हमारे पास उसके सेंटर को भी उस पे लगा दो। अब जो है हमारे बटरफ्लाई के बैक साइड में हमें ग्लू लगाना है, एंड इसी सेंटर को हमें इस पे ऐसे पेस्ट कर देना है। ये होने के बाद में आपको और सिक्योरिटी के लिए कि बच्चे अगर टान के से खोल ना दे, उसके लिए आप क्या करोगे, इधर पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के इस तरीके से इसके विंग्स को यहाँ पे लगा दोगे। ये आप देख रहे हो ये हो चुका है, एंड जस्ट बैक साइड में थोड़ा सा और ग्लू लगा के आपको ये चकली लगा देनी है। सो ये हमारा
बटरफ्लाई वाला राखी रेडी हो चुका है, किड्स राखी। सो आप देख रहे हो कितने इजीली ये रेडी हो चुका है। सो अब मैंने जो और पहले आपको दिखाया था बना के रखा हुआ था वो ये सारे हैं। सो आप देख रहे हो ये कितने जल्दी बन चुका है, इतनी जल्दी ये बन चुका है। ये बहुत ही अमेजिंग है, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। एंड आप भी इसे बना के अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रक्षाबंधन इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। लाइक करना मत भूलेगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।